आध्यात्मिक सशक्तिकरण माध्यम भारत को बढ़ावा लक्ष्य ब्रह्मा कुमारी नूतन भारत नूतन शिक्षानीति अभियान शुभारंभ कले राष्ट्रपति शिक्षार मातृभाषार भूमिका उपरे देले गुरुत्व केन्द्र शिक्षामंत्री कहिले मनीष और मेसीन निर्माण आह्वान को समाधान करिबार सूत्र प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पक्षर आरंभ करा जायछि एक अनन्य शिक्षा अभियान जहार ना हेउछि नूतन भारतर नूतन शिक्षा नीति संबलपुर शासन पावन सरोवर ठारे राज्यपाल रघुवर दास और केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान उपस्थित ब्रह्मा कुमारी पताका देखा और शुभ कलश प्रदान कर जातीय शिक्षा अभियान शुभारंभ कर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधन में महामहिमा कहते मनुष्य जीवन में शिक्षार भूमिका और शिक्षार मातृभाषार भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एथिपाई नुआ शिक्षानीति मातृभाषा को गुरुत्व देउछंती केन्द्र सरकार यही नेशनल एजुकेशन कैंपेन अत्यंत प्रासंगिक अटे कारण समाज गठन शिक्षार सब गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही आमटीर सुपुत्र स्वभाव कवि गंगाधर बेहर यथार्थ लिखिंट उच्च होगापाई कर जेब आशा उच्च कर आगे निज मातृभाषा भाषा और संस्कृति अंगांगी भाव जड़ित निज मातृभाषा शिक्षा लाभ करवा बेले पिलाटी निज संस्कृति विषय सम्यक ज्ञान अर्जन करातीय शिक्षानी भारतीय आचार व्यवहार उपर आधारित शिक्षा व्यवस्था परिकल्पना करा नुआ भारत गठन रे एही शिक्षानी प्रत्यक्ष योगदान रहिबो सांप्रतिक समय विज्ञान प्रजुक्ति विद्या सहित नैतिक और सांस्कृतिक शिक्षार भी रही आवश्यकता एथिसह आत्मशुद्धि करने आध्यात्मिक चेतनार प्रतीक होगाक आह्वान देते राष्ट्रपति वर्तमान समय प्रजुक्ति विद्यार समय आम छात्र छात्री मैंने प्रजुक्ति विद्यार कुशल होगा उचित जो कथा आम मंत्री महोदय कहते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 3D प्रिंटिंग और ऑटोमेशन माध्यम आम देश में प्रगति त्वरान्वित हो पार आम छात्र छात्री मैंने एक क्षेत्र में पारदर्शिता हासिल न कले पछुआ रही तेज वैषयिक ज्ञान पारदर्शी होगा संगे संगे निज संस्कृति सहित जोड़ी हो रहा बहुत आवश्यक प्रजुक्ति विद्या और सांस्कृतिक मूल्यबोधर समन्वय ही भारत सामग्रिक विकास संभव वर्तमान शरीर सहित आत्मा मध्य परेशर एपरी परेश कुलसित होवर शरीर सहित आत्मा मध्य कुलसित हो जाए तेणु शरीर को सुस्थ सबल रहा संगे संगे आत्मार शुद्धिकरण आवश्यक आत्मा शुद्धि करने को आमको आध्यात्मिक चेतनार पथिक होगा पड़ो आध्यात्मिक सशक्तिकरण माध्यम भारत को बढ़ावा लक्ष्य ब्रह्मा कुमारी अनुष्ठान रही राष्ट्रीय अभियान को प्रशंसा करिछंती केंद्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान कहिछंती शिक्षा माध्यम ही होई पारिबो विकसित भव्य भारतर गठन एहाको लक्ष्य रखी 2020 रे देशरे नुआ शिक्षा नीति प्रणयन करिछंती मोदी सरकार न्यू इंडिया न्यू एजुकेशन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2020 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो परम आदरणीय शिलू दीदी जी ने उल्लेख कर रहे थे कब भारत की भारत सोने की चिड़िया थी अभी लंबे समय की पराधीनता के कारण हमारी जो विस्मृति आई उसे आगे ले जाने की पथेय आप करते आए हो और आज आपकी राष्ट्रीय कैंपेनिंग संबलपुर से शुरू होने के लिए मैं दूसरे कारण से शिक्षा विभाग की ओर से भारत सरकार की ओर से आभार प्रकट करता हूँ। आपकी इस कैंपेनिंग के मूल आधार भारत को 21वीं सदी में 2047 तक विकसित बनानी है, भारत से दारिद्रता को मूलोत्पाटन करना है, भारत में समानता लानी है, भारत को भव्य बनाना है, एक ही कुंजी है, एक ही चाबी है, वो शिक्षा। और आप उस काम पे जुड़े हो और मैं आभारी हूँ आपने भारत को जोड़ा। एबे देश रे 3-23 वर्ष मध्यरे अछंती प्राय 50 कोटी जनसंख्या एमानंकु मनीषना मेसिन करिबा तहा वर्तमान समय सबुठारु बड़ आह्वान केन्द्र शिक्षामंत्री कहिछंती आह्वान को समाधान करिबार सूत्र हेउछि आध्यात्मिकता। देश में आज 3-23 साल की उम्र में मैं आगे की बात नहीं कह रहा हूँ, आबादी की बाकी हिस्सों के बारे में नहीं कह रहा हूँ,
जिनके बारे में मेरे को नीति बनाने की दायित्व है। 3 से 23 साल के अंदर भारत में 50 करोड़ नागरिक हैं, 140 करोड़ में 50 करोड़ उन्हीं में से हैं। आज चुनौती ये है, हम मनुष्य बनाएंगे या मशीन बनाएंगे? आज एआई चाहिए ना एचआई चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए ना ह्यूमन इंटेलिजेंस चाहिए। उसी की एक ही सूत्र है, आध्यात्मिकता के साथ जो आप करते आए हो। थोड़ा भारतीयता भारत की आध्यात्मिक जगत की अनन्य हिस्सा है, आप उस काम को बखूबी आगे करोगे। कार्यक्रम में ओडिशा माननीय राज्यपाल रघुवर दास जोगदे निज अभिभाषण रखिछन्ते। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।